असल स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है ऑपरेशन रिसर्च का वह है स्पेशल केसेस इन ग्राफिकल सॉल्यूशन बेसिकली हमने सबसे पहला मेथड जो हमने ये किया था लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने का वो था ग्राफिकल मेथड लेकिन उसमें हम क्या करते हैं उसमें सिर्फ हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन आ रहा होता है और वो सिर्फ एक पॉइंट पे आता है कि एक पॉइंट पे हमें जी की जो है वो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है या मिनिमम वैल्यू मिल जाती है अब इस ग्राफिकल सोल्यूशन के जो है वो कुछ केसेज भी हैं फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल ऑप्टीमल सोल्यूशन मल्टीपल का मतलब क्या होता है एक से दो या दो से जितने भी वैल्यूज हो ऑप्टीमल सोल्यूशन बेस्ट सोल्यूशन मतलब या तो वो मैक्सिमाइजेशन हो सकता है मैक्सिमम हो सकता है या वो मिनिमम हो सकता है तो इस केस में क्या होगा मोर देन वन सोल्यूशन विद द सेम ऑप्टीमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब कि दो डिफरेंट पॉइंट्स पे या तीन डिफरेंट पॉइंट्स पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की एक से जायद वैल्यूज जो है वो सेम आएंगी और वो वैल्यूज कौन सी होंगी ऑप्टीमल वैल्यूज मतलब क्या तो प्रॉब्लम मैक्सिमाइज का है तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एक से जायद पॉइंट पे सेम आ रही होगी ठीक है इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं एग्जाम्पल है मैक्सिमाइजल टू टू एक्स वन प्लस एक्स टू सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट है एक्स माइनस टू वाई लेस देन इक्वल टू सिक्स आपको बोला था एसोसिएटेड इक्वेशन बना के कर सकते हैं कि find कर लें. एक बार एक्स को जीरो रखे तो वाई की वैल्यू निकल आएगी और वाई तो को जीरो रखे तो एक्स की निकल आएगी सेकेंड ये मैंने वे बताया था कि जो राइट right साइड आ रही है उससे पूरी इक्वालिटी को डिवाइड कर लें तो वो स्लोप स्लोप फॉर्म तो देन तो तो वाली मतलब इनक्वेलिटी खत्म इक्वेशन लिख देंगे और एक बार पहले जब y को जीरो पुट करें तो x की वैल्यू सिक्स आ रही है यहाँ इन्होंने फाइव लिखा हुआ सिक्स आएगी और पॉइंट क्या बन जाते हैं सिक्स जीरो और जब आप x इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाती है माइनस थ्री तो वाई टू की वैल्यू क्या आ गई सॉरी y की वैल्यू क्या आ गई माइनस थ्री ठीक है तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा जीरो माइनस थ्री एक ये पॉइंट बन गया मतलब दो ये पॉइंट्स आ गए इन दो पॉइंट्स को जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे यहाँ पे पॉइंट्स लगाएंगे तो इनसे एक ल, उन दोनों को मिला के लाइन की बनेगी इक्वेशन और वो इक्वेशन ये वाली होगी इक्वल वाली ठीक है जैसे हमने यहाँ पे ये पॉइंट बनाया सिक्स जीरो और जीरो माइनस थ्री ये सिक्स जीरो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया ठीक है और ये जीरो माइनस थ्री ये पॉइंट आ गया इन दोनों को मिला के हमारे पास एक लाइन आ गई ये वाली इसको एल वन का नाम दे देते हैं ठीक है थीके? ये लाइन आ गई ये इस इक्वेशन वाले की आई है जो इसका ये वाला सिंबल है ना इसका मैं आपको बताती भी इसका काम कर है ये बेसिकली हम पहले कर चुके हैं उसके बाद सुसेटर इक्वेशन बनाए सेकंड इक्वेशन की इस वाली इक्वेशन की सुट इक्वेशन बनाए तो ये इक्वल आ जाएगा ठीक है इक्वल में ये आ जाएगी आपके पास सुसेट इक्वेशन उसके बाद इसमें वैल्यूज पुट करें एक बार वाई की वैल्यू जब आप जीरो पुट करेंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाती है वन और जब आप एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाती है टू और पॉइंट क्या बन जाता है जीरो टू अब हमारे पास ये चार पॉइंट्स आए हैं ठीक है 1002 इसको मिला के एक लाइन बनी ये 10 और 02 को मिला के एक लाइन बनी वो है ये वाली l2 ठीक है अब जो हमारे टेस्ट पॉइंट होता है उसको हम लेते हैं ओरिजिन को और अगर तो वो ओरिजिन वाला पॉइंट उस 00 जो है इन इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा हो तो इनके शेडेड एरिया जो है वो ओरिजिन की तरफ आता है और अगर सेटिस्फाई ना करे तो अवे द ओरिजिन ठीक है तो अब पहली में अगर आप जीरो जीरो पुट करते हैं तो ये भी सेटिस्फाई कर जाएगी दूसरी में जीरो जीरो पुट करते हैं तो ये भी सेटिसफाई कर जाएगी मतलब दोनों का जो रीजन है वो इसका भी ये वाली लाइन का भी इस साइड को बनेगा और ये वाली लाइन का भी इस साइड ऊपर वाली साइड पे बनेगा ठीक है ये आ जाएगा ये वाला रीजन ऊपर वाला ठीक है ना लेकिन नेक्स्ट कंडीशन भी देखे क्या है एक्स एंड वाई आर ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब क्या है एक्स और वाई सिर्फ फर्स्ट क्वार के अंदर है तो हमने सिर्फ फर्स्ट वाला इसका कॉमन रीजन क्या आएगा इसका कॉमन रीजन सिर्फ ये वाली चीज आ जाएगी ठीक है हमने सिर्फ ये वाला एरिया ले लेना बाकी सारे को छोड़ देना है क्योंकि वो हमारे ए, इन इक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि टू जीरो होना चाहिए तो ये सारा हम छोड़ देंगे और हमारे पास जो रीजन आ जाएगा वो सिर्फ ये वाला आ जाएगा जो फर्स्ट क्वार में है तो उसके बाद ये वाले पॉइंट्स जो हैं Uh, इनको आप पुट uh, करें ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर और ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लें क्योंकि ये पॉइंट्स जो है ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं इनकी वैल्यू uh, आप पुट करें इसके ऑब्जेक्टिव uh, फंक्शन में तो देखिए ये वैल्यूज आती हैं जी की वैल्यू जो है वो पॉइंट जीरो जीरो पे जीरो आ रही है वन जीरो पे टू आ रही है और जीरो टू पे टू आ रही है तो अब यहाँ पे देखें दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वन ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई है वो सेम आई है तो इस तरह के सोल्यूशन को हम बोलते हैं ये मल्टीपल सोल्यूशन है ठीक है ना ये मल्टीपल ऑप्टीमल सोल्यूशन मैक्सिमम वैल्यू तो टू आ रही है और वो लेकिन वो वो कि, किस किन पॉइंट्स पे आ रही है वो दो डिफरेंट पॉइंट्स पे आ रही है इसलिए हम इसको बोलते हैं मल्टीपल सोल्यूशन ठीक है ये अगर मैक्सिमम है तो फिर मल्टी मतलब, मतलब मैक्सिमम नंबर ले रहे हैं आंसर ले रहे हैं ये मिनिमम ले रहे हैं तो ये मैक्सिमम ऑप्टिमल सोल्यूशन कहा जाता है ठीक है उसके बाद जो इसका नेक्स्ट केस है हमारे पास वो है फिजिबल सोल्यूशन सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए इन फिजिबल सोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है डेफिनेशन आ जाएगी इफ नो फिजिबल सोल्यूशन एरिया दैट इज ऐसी वैल्यूज होती है जो कि सारी की सारी पॉजिटिव होती है जो भी सोलूशन हो अगर तो वो हमारा फर्स्ट क्वार में लाइक आ रहा है देन वो होता है फिजिबल सोल्यूशन और अगर वो दूसरे क्वार में लाइक आ रहा हो

ठीक जीरो सिक्स और सिक्स जीरो और दूसरा अगर जब आप एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो वाई की आ जाती है माइनस थ्री ठीक है तो ये लाइन बन गई हमारे पास ये वाली ठीक है ये लाइन वन बन गई और अगर आप इसको ड्रॉ uh, करें सेकेंड वाली लाइन को टू एक्स वाई लेन इक्वल टू टू ये आपके पास जब y के इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो x का पॉइंट वन आ जाता है और अगर आप x का जीरो पुट करें तो y की वैल्यू जो है वो आ जाती है सॉरी ये लाइन बनी ठीक है ये किस तरह से लाइन बनेगी तो ये आ जाती है हमारे पास सेकंड लाइन अब इसका ये क्या है ये लेस देन आ रहा है तो इसका शेडिड एरिया जो है वो ओरिजिन की तरफ होगा ठीक है इन दोनों का लेकिन थर्ड वाली कॉन्स्टेंट देखें वो क्या है एक्स इज ग्रेटर टू थ्री तो ये क्या आ जाएगा ये वाली लाइन इस तरह से ये आ गई ठीक है थर्ड वाली लाइन ये आ गई हमारे पास तो इनका रीजन शेड करें रीजन शेड करने से क्या होगा ये फर्स्ट वाला ये भी ये वाला बनेगा ठीक है फर्स्ट में लेना है क्योंकि और जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो है तो इन दोनों का कॉमन रीजन क्या आएगा पहली दो का ये आ जाएगा ठीक है लेकिन जो थर्ड वाली है वो क्या है एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू थ्री तो इसका कौन सा आएगा इसका ये वाला आ जाएगा ठीक है तो क्या इसका कोई पार्ट है? मतलब इसके साथ बन रहा है इसका मतलब ग्रेटर तो आ रहा है ना तो इन तीनों का को कोई कॉमन रीजन आ रहा है इन दो का कॉमन रीजन तो ये वाला आ रहा है लेकिन इसका ये वाला आ रहा है तो इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है इसका मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट हमें नहीं मिलेगा जो तो कि इनको सारी सारी को सेटिस्फाई कर रहा जो पॉइंट्स हमने ये वाले निकालने जीरो सिक्स सिक्स जीरो जीरो माइनस थ्री जीरो टू वन हमारे निकले थे इनको अगर आप यहाँ पे पुट करके देखें तो आप, uh, आपको पता चलेगा कि वो uh, सारे कॉन्स्टेंट सारी को सेटिस्फाई नहीं करते तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं इन फिजिबल सोल्यूशन या अगर सिंपली uh, आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो वो इनफिजिबल सोल्यूशन है या अगर आपको इन फिजिबल सोल्यूशन नहीं अगर मिल रहा तो वो भी इनफिजिबल सोल्यूशन कहलाएगा ठीक है तो इसके बाद जो हमारी इसकी थर्ड टाइप है वो है अनबाउंडेड अनबाउंडेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है वैल्यू ऑफ दीज इनडेफिनेटली सच कॉल्ड अनबाउंडेड सॉल्यूशन अगर तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जा रही है वो इस तरह से इंक्रीज हो रही है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सॉल्यूशन ठीक है उसके लिए ये एग्जाम्पल नीचे दी हुई है इसका ग्राफिकल सोल्यूशन में आपको दिखा देती हूँ बाकी को आप खुद सेटिस्फाई करवाएंगे इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी ये देखें यहाँ पे ये क्या है ग्राफ आप देखें अगर इसका तो इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो इनडेफिनेटली वो इंक्रीज करती जाएगी तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनबाउंडेड सॉल्यूशन ये बाकी आपने ये जो एग्जाम्पल दी है ये इसको आपने खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसके ये पॉइंट्स वगैरह सारे उसने दिए हुए हैं इनको आप खुद ड्रॉ करके देखेंगे बेसिकली वही इनक्वालिटीज हैं जो पिछले वाली थी बस में ये इसमें लेस देना इसमें भी पिछले क्वेश्चन में लेस था यहाँ पे ग्रेटर का साइन आ गया तो इसको आप खुद सॉल्व करके देखेंगे ठीक है ग्राफिकली ये शो करवा दिया यहाँ पे देखें ये अनबाउंडली जो, तो जो है वो इंक्रीज हो रही है इसकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती जाएंगी तो इसलिए हम इसको बोलते हैं अनबाउंडेड इनके बाद जो है वो एक पॉइंट और होता है ग्राफिकल सोल्यूशन में उससे हम बोलते हैं रिटेंडेंसी वो भी बहुत आसान है उसकी भी एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी आप उसको देख लीजिएगा उसको सॉल्व कीजिएगा बाकी इन तीनों क्वेश्चन को कीजिएगा और यही काम ये जो मल्टीपल सॉल्यूशन का है अनबाउंडेड सॉल्यूशन का है और इन फिजिबल सोल्यूशन वाला है ये सारे, सारे जो है आपने करने हैं सिंप्लेक्स मेथड के लिए भी अनबाउंडेड सॉल्यूशन मल्टीपल सॉल्यूशन और जो इनफिजिबल सॉल्यूशन था ये मैंने आपको काम करवा दिया अः ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए अब ये आपके असाइनमेंट है कि आपने ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन और मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन की एक एक एग्जांपल जो है वो मेथड से सॉल्व करने के बाद आपने मुझे सेंड करनी है ये आपने है उसके अलावा एक टॉपिक है रिटेंडेंसी का वो भी ग्राफिकल सोल्यूशन में आता है उसके रिलेटेड भी एक वीडियो में आपको सेंड कर दूंगी इन दोनों वीडियोस को इन दोनों लेक्चर्स को समझिएगा अगर आप इसको आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आप पूछ सकते हैं ओके